तो कई ऐसी फिल्में होती है जिन्हें बार बार देखने का जी करता है, और फिल्में देखते देखते एफी के फादर पेट दर्द भी करने लग जाता है भाई। जी हाँ, एक और कॉमेडी का हंगामा फिल्म रिलीज हो चुकी है, फुकरे थ्री। फुकरे थ्री से पहले वाले दो पार्ट भी काफी ज्यादा कॉमेडी थे, फैंस को काफी ज्यादा पसंद आए थे। दोस्तों फुकरे थ्री की कहानी वहां से शुरू होती है जहाँ पे फुकरे रिटर्न की कहानी खत्म होती है। फिल्म की शुरुआत में तीनों फुकरों ने किराने की दुकान खोली थी पर ठीक नहीं चल पाई और बोली पंजाबन गैंगस्टर से नेतागिरी में उतर आई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फुकरे थ्री फिल्म में आप लोगों को कॉमेडी, रोमांस, ड्रामा और फुकरों का तीनों का ड्रामा देखने को मिलेगा। पंकज त्रिपाठी, रिफा चड्डा, पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा और मनोज सिंह ने काफी अच्छी भूमिका निभाई है फिल्म में। दोस्तों मूवी के बारे में बातचीत करने से पहले फुकरे थ्री और कॉमेडी जिंदा उसके लिए दिल से लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे भाई। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 के बाद पंकज त्रिपाठी ने काफी ज्यादा कॉमेडी की है फुकरे थ्री फिल्म में। दोस्तों आप लोगों ने रफेरी और धमाल जैसी फिल्में तो देखी होंगी कि कॉमेडी का फुल भंडार था उन फिल्मों में। सिस्टम पार देंगे। वैसे ही फुकरे थ्री में भी कॉमेडी का फुल डोज है। यूं तो फारे कैरेक्टर कमाल के हैं लेकिन फिल्म में चूचा बेमिसाल है। और भाई फुकरे थ्री पहले दिन 10 करोड़ की बाजी मार सकती क्योंकि इतनी ज्यादा दमदार कॉमेडी फिल्म है। वहीं दोस्तों फुकरा गैंग को देखकर एकदम दिल खुश हो गया। और भाई यार आप लोगों को कॉमेडी का फुल मजा लेना तो भाई फुकरे थ्री फिल्म जरूर देख ली क्योंकि बहुत ज्यादा दमदार लगी यार। क्या आप लोगों ने फुकरे थ्री फिल्म देख ली तो कैफिल की कॉमेंट में जरूर बताए कैफी कॉमेडी लगी भाई। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? थैंक्स फॉर वॉचिंग टाइम टाटा बाय बाय, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। ठीक है तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? थोड़े मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है?